हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने टॉप 40 GK क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैं और सारी वीडियोस बना चुका हूँ, गेम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ओनर्स, बेसिक ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपके कंपटीशन के लिए। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के मैं उन वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं PDF वगैरह भी आने वाले वक्त में शेयर करूंगा। जैसे कि BA का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 30 तारीख में है, तो इसीलिए मैं वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ। और कल तक दो चार वीडियोस और आ जाएंगी आपकी करंट अफेयर्स पे भी, और इंग्लिश की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको लेकर आऊँगा कुछ वीडियोज़ कल तक, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस आप देखते रहिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इज़ द थर्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इसका सही आंसर है 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन इंडिया। इंडिया में बफेलोज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये फुल फॉर्म्स भी हैं, आप इनको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? तो ये भी पूछ ली जाती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो इनकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा है बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। इंडिया की नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का नाम क्या है? उसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। तो दोस्तों, आप मैं वही बता रहा हूँ कि फुल फॉर्म्स ये सब भी आप याद कर लिएगा। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट अकाउंट्स NIPA। तो ये फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एवरी हाउसहोल्ड इन द कंट्री। तो इसको सही आंसर है जनधन योजना। जनधन योजना में क्या था? तो फाइनेंशियल एड पहुँचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स लेवीड बाई द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के जरिए इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है रियल एस्टेट टैक्स। इनकम टैक्स भी होता है, GST भी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स भी होता है, रियल एस्टेट टैक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मोनिटरी अथॉरिटी इन इंडिया। इनमें से सबसे हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया कौन सी है? RBI है क्या, या SEBI है, या IRDAI है, या NABARD है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर है ए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन कॉल्ड दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी कहलाती है? तो वो है मुंबई। अगर फाइनेंशियल कैपिटल भी कह सकते हैं इसको, और इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल या आप इकोनॉमिक कैपिटल भी कह सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी, इसको मुंबई को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, इन विच ईयर वर द रीजनल रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश्ड। तो रूरल बैंक्स कब एस्टेब्लिश हुए थे? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी कौन सी होती है इनमें से? तो ये है ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ठीक है? प्लास्टिक करेंसी, ATM कार्ड्स भी, डेबिट कार्ड्स कह लीजिए आप, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है,
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है आपके प्लास्टिक, प्लास्टिक करेंसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विच इंक्रीज द प्राइस फॉर अ कस्टमर इज नोन एज, ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? इसका सही आंसर है बी, टैक्स, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस जो है टैक्स कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इकोनॉमिस्ट इज इन फेमस फॉर द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक अर्थक्वेक्स दैट रॉक्ड अमेरिका एंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व, तो इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है उसका, तो इसका सही आंसर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलन ग्रीन स्पैन, इसका सही आंसर है एलन ग्रीन स्पैन, एलन ग्रीन स्पैन। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, तो इसका आंसर है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट पर 100 ग्राम परमिटेड फॉर अ कंपनी टू डिस्प्ले अ ट्रांस फैट फ्री लोगो, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है 0.2 ग्राम, बी ऑप्शन 0.2 ग्राम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी टू रिसीव BS6 सर्टिफिकेशन इन इंडिया, तो कौन सी पहली टू व्हीलर कंपनी थी जिसने BS6 सर्टिफिकेशन हासिल किया था, उसका सही आंसर है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टिंग नेशन, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है बी इंडिया, बी इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द SLR लेवल फॉर द बैंक्स, बैंक के लिए SLR लेवल क्या होता है, इसका करंट आंसर है बी ऑप्शन 19.5% ऑफ डिपॉजिट, 19.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1932 JRD टाटा फ्लू अ कंसाइनमेंट ऑफ मेल फ्रॉम विच सिटी टू जुहू एयरपोर्ट, तो इसका सही आंसर क्या है, कराची, कराची, ठीक है, कराची टू मुंबई, पहली फ्लाइट का भी है ये, है ना, फर्स्ट फ्लाइट टेकन बाय इन इंडिया टेकन बाय JRD टाटा, है ना, कराची टू मुंबई, ये भी याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ डीमार्ट, डीमार्ट के फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर है राधा कृष्णा दामानी, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज गिवन स्टैचुअरी स्टेटस, इसका सही आंसर क्या है, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फुल फॉर्म है, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, देखिए अभी मैंने आपको बताई थी और इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के साथ आपको ऑप्शन मिलेंगे, सिक्योरिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत कंफ्यूजन वाला, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बॉर्डर ऑफ इंडिया, देखिए बस थोड़ा सा बॉर्डर लिख दिया है आपने, सिक्योरिटीज एंड इक्विटी ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत माइनर चेंज मिलेंगे, इसलिए करेक्ट डेफिनेशन आप फुल फॉर्म्स ये जरूर याद करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया के करंट गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया बाय असेट्स, असेट्स के हिसाब से लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, इसका सही आंसर है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल टू डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस इन इंडिया इज दैट दे आर अराउंड डैश टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कितने टाइम्स होना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो इसका सही आंसर है 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कब क्रिएट हुआ था, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 2005। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड किसके बराबर होती है, तो वो जीरो के बराबर होती है दोस्तों, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसका सही आंसर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर IRDA एक्ट वॉज पास्ड? IRDA एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1999। दोस्तों ये IRDR, ये इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पीछे किसी क्वेश्चन में देखिए आई थी, है ना, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? देखिए ये आ गया पूरा IRDAI, इसकी फुल फॉर्म यही आ गई। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मीडिया कंपनी दैट हैज बॉट द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st Century Fox? फिल्में आती है, देखा होगा 21st Century Fox की, तो किस कंपनी ने इसको खरीदा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डिस्नी, डी ऑप्शन डिस्नी, ठीक है, डिस्नी, डिस्नी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट्स एंड पब्लिशेस लिबोर, यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट? तो क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है थॉमसन रूटर्स, थॉमसन रूटर्स। लिबोर की फुल फॉर्म क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट विद द इन्फ्लेशन कंट्रोल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर फॉरेन इनफ्लो? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, विड्रॉइंग अ इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन डिजायरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1991। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका है आंसर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेशन टैक्स इज लेवीड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग? एक्सेशन टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय हेयर्स, गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज कॉमनली नॉट एसोसिएटेड विद बजट्स इन इंडिया? बजट के साथ कौन सी टर्म नहीं जोड़ी जाती इनमें से? तो इसका आंसर है ऑस्टेरिटी बजट, आउटकम बजट भी है, जेंडर बजट भी है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी है, ऑस्ट्री बजट नहीं जोड़ा जाता है, ऑस्ट्री बजट, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑस्ट्री बजट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली वीडियोस इंग्लिश पे, करंट अफेयर्स पे, इन सभी मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।